जय बजरंग बली हर हर महादेव। जैसा कि हम आपको बताते रहे कि 25 तारीख की जो जगन्नाथ यात्रा है वो ये लक्की स्टार का वो जगह है, धाम है, जहाँ पर आज ये आप देख रहे हैं कि पूर्वजन तरीके से मनाई जा रही है और काफी तादाद में लोग आते जा रहे हैं और ये काफिला जो है बढ़ता जाएगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। वक्तन हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बहुत आनंद आने वाला है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यात्रा यही कहलाती है, तो हमसे जुड़े रहिएगा, आपको दिखाते रहेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हाँ जी लता जी, आज ये किस चीज का रश लगा हुआ है आज? बहुत आज तो जगत यात्रा का रश लगा हुआ है और आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। जैसे आप लोग इंडिया में घूम रहे, भारत में, आज खुश हूँ। और आज देखो मैंने साड़ी भी पहनी, कृष्णा की साड़ी। ये जो आपने सारे आज में चूड़ियाँ भी नजर आ रही है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। ये मैंने गोकुल से ली और ये वृंदावन से ली और ये साड़ी भी बहुत अति सुंदर घर से। ये सारी शॉपिंग सब्सक्राइब जरूर करना मेरे सारी चीजों का। तो देखते रहे, हमसे जुड़े रहे, हम दिखाते रहेंगे। अब जगन्नाथ यात्रा का आरंभ शुरू हो चुका है। इंडिया से आए तो सुंदर क्यों नहीं लगे, भारत से आए, भारत से भगवान श्री कृष्ण आए और सुभद्रा मैया खुद चल के आए। भगवानों को मैंने भी हाथ में पकड़ा, बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी, जब मैं माता जी के पास देखती थी ना, मेरी अगली जगन्नाथ में मैं भी लूंगी भगवान गोद में। और देखो भगवान के लिए भी कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी गोद में भगवान कैसे लग रहे। जय जगन्नाथ, कमेंट में लिख के भेजना, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये भी देखो हमारी भारत से हमारे साथ थी इंडिया में, अभी मुझे ऐसा मैंने गेटअप किया हुआ, मुझे पहचान ही नहीं रही है। चलो बोलो कुछ, जय जगन्नाथ बोलो, जय जगन्नाथ बोलो जोर से। जैसा कि आप देख रहे हैं जगन्नाथ यात्रा का आरंभ अब शुरू हो गया है और काफी लोग आ रहे हैं, तादाद के अंदर बढ़ती जा रही है और थोड़ी देर में ये आरंभ हो जाएगा और फिर हम ये जगन्नाथ यात्रा को लेके, तो हमारे साथ प्रभु जी मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं। आज ये भी यहाँ मौजूद है हमारे समधी जी, तो पूछते हैं कैसा लग रहा है जिनको यहाँ पर रथ के सामने है हमारे। बिल्कुल बोलो सतगुरु देव की जय, बोलो मारुषि नाथ साहेब की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। आज का ये प्रोग्राम बेमिसाल प्रोग्राम है, जगन्नाथ यात्रा हर जगह निकाली जाती है, मरजोर किशोर रविदास प्रभु के माध्यम से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ये बहुत बेमिसाल है क्योंकि ये हमारे इलाके में पूरे रोड से घुमाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है और सारे लोग जितने भी भक्त हैं वो इंजॉय करते हैं और उनको भी बड़ा मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को आगे तक देखना है आपने और देखें, अब दिखाते रहेंगे आपको। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। देखें आप कितनी रश हो रही है, आप लोगों को बहुत आगे भी मजा आएगा, अभी कीर्तन शुरू होगा, डांस होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कमेंट और जय जगन्नाथ जरूर बोले। देख रहे हैं आप, ये रथ चल रहा है और ये रथ बनाने वाले हमारे साथ सुनील भाई और इनकी पूरी टीम, भरपूर तरीके से इन्होंने मेहनत की, पिछले दो महीने से लगे हुए थे और ये रथ इतना खूबसूरत बना है कि हम इसको देख के हमारी आंखें बस क्या कहें कि भगवान की तारीफ के बगैर कुछ नहीं कह सकते। तो सुनते हैं सुनील भाई से कि क्या इनके दिमाग में कैसे आया। ये 2017 में महाराज के साथ गया था इंडिया, वहाँ मुलाकात हुई थी, तो जब से आज तक महाराज के साथ ही है और रथ का बस ये भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमें रथ बनाने का मौका दिया है
और उससे ज्यादा कृपा हमारे गुरु महाराज की है जिन्होंने हमें रथ बनाने का मौका दिया और ये रथ बना रहे हैं हम। और महाराज की बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है कि उन्होंने हमें रथ बनाने का मौका दिया, भगवान का बहुत बड़ा कृपा है। और आज देखिए इस तरह के रथ ने बनाया है और आगे भी हमारी यही मत है कि हम जब तक है महाराज के साथ बिल्कुल रथ बनाते रहेंगे और इसी तरह भगवान की सेवा करते रहेंगे। और बता रही जो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना इनको फेमस करें क्योंकि इनके जरिए सब कुछ आगे हमारी चीज़ें पहुंचती है, हमारे सनातन धर्म का चीज़ें पहुंचती है इनके थ्रू। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमारी चीज़ें इतना आगे नहीं जाती कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कराची में किस तरह बना रहे। ये इनकी बदौलत है, रवि भाई की और लता माता जी की बदौलत हम इस कार्य को लोग देख रहे, विश्व भर में देख रहे। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसा लग रहा है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, बस बहुत अच्छा लग रहा। जगन्नाथ भगवान इसी तरीके से अपनी कृपा से सब पे बरसाए रखे। जय जगन्नाथ। चलो गोपीना, सारी पब्लिक बोले गोपीना। भक्त लोग आप लोग आवाज कम आ जाए। गोपीना चलो गोपीना, चलो गोपीना। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। Thank you.
सौ की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद है और ये जगन्नाथ यात्रा चल रही है। हम भी रथ के साथ आपको दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज्यादा क्राउड आया है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जगन्नाथ यात्रा है जिसके बारे में लोग इंतजार करते हैं जगन्नाथ यात्रा का, और आज इसका आरंभ है तो आप देख रहे हैं तो बहुत शुभ कार्य है। तो धन्यवाद आपका, जुड़े रह के। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। भगवान जी लेकर आए मेरी भगत मंडल, कृपा होगी जगन्नाथ भगवान जी, सदा सदा रहे हमारे जगन्नाथ, सब पे जगन्नाथ यात्रा चल रही है और बहुत ही शानदार तरीके से तमाम भक्त पाकिस्तान से बहुत दूर दूर से आए हुए और देख रहे हैं आपके बहुत ज्यादा रश है। और क्या कहते हैं लता जी आज आप? आज मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, देखो हमारे हालात, सुबह 1 बजे से हम लोग आए और बहुत आप लोग को भी मजा आएगा जब आप हमारे ब्लॉग देखोगे। जय जगन्नाथ। आपको लग रहा है कि ये इंडिया का रथ चल रहा है? बिल्कुल, जैसे हम इंडिया में रथ लेके चल रहे हैं जगन्नाथपुरी में, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमारे साथ रहना, कमीन करना, बस जय जगन्नाथ। तो देख रहे हैं आप ये कितना अद्भुत नजारे है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आपसे जुड़े रहे, देखते रहे वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव।
किशोर कृष्णदास प्रभु गोड़िया मठ, कृष्णा किशोरदास भक्त समाज गोड़िया मठ। हाँ जी, देखा आपने, ये आप समझ ले 108 जो मालाएं होती है उसके मोती होते हैं, अनमोल मोती। आज सारे यहाँ ये जितने भी है ये सारे अनमोल मोती है, और आज इन्होंने जो है सब मोतियों को प्रो दिया एक माला के अंदर। और आप देखे सनातन धर्म है, आप देखे सनातन धर्म के लोग यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से, और ये सबसे बड़ी जगन्नाथ यात्रा पाकिस्तान की मानी जाने लगी है, क्योंकि इसको बीबीसी लंदन की भी न्यूज ने बता दिया है कि ये आज जो जगन्नाथ यात्रा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जगन्नाथ यात्रा। हम इनको उनके परिवार को तय दिल से शुक्रगुजार है कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमें अपने कार्य के बारे में बताएं और किस तरीके से सबसे पहले स्टार्ट किया प्रभु ने और आज तक जो चल रहा है प्रोग्राम, ये बस इनसे पूछेंगे यही बताएंगे हमें। फागू जय जगन्नाथ। धन्यवाद आप सबके श्री चंद्र में दास कृष्णा किशोर का दंड प्रणाम। तो बहुत आनंद आ रहा है भक्तों की, देखो भीड़ देखे, भीड़ देखे किन्ने भी नहीं आ रहे हैं। तो 2009 का सफर और 2022 यानी कि 15वीं रथ यात्रा ये मनाई जा रही है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी सरकार का जिन्होंने हमें अनुमति दी, और बहुत आनंद आ रहा है। आनंद के विषय में आनंद के बारे में क्या कह सकते हैं कि बहुत आनंद आ रहा है। तमाम जगहों से भक्त आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, जुड़े रहे देखते रहे इन तक।
श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रथ जो है वो पंडाल में पहुंच चुकी है। अवाम नहीं, एक समुंदर है ये अवाम का, जो आप ये पंडाल में अब जगह नहीं है। बाहर रोड पे भी इतना ज्यादा रश लगा हुआ है। हम बता नहीं सकते आपको कि ये एक जगन्नाथ यात्रा जो है बहुत ही हम भाग्यशाली है कि जगन्नाथ यात्रा में मौजूद है। इतने अद्भुत दर्शन भी हमने किए और इतनी क्राउड को देखा गया। आज फर्स्ट टाइम हमने इतना क्राउड देखा है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक लास्ट भी देखिएगा। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। Oh,
हमारे चीफ गेस्ट भगवान जगन्नाथ है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी जो भक्त जन यहाँ आए हैं। गलती हमारी नहीं है, गलती सब भक्तों की है। अरे भाई, जब आपको पता है कि वो जगत के नाथ मेरे कहते लाइव, हमने 1:30 बजे लाइव कर दिया कि भगवान पंडाल में आ गए, भगवान पंडाल में आ गए, लेकिन जनता पंडाल में नहीं आई। इसलिए गलती किसकी है? ये जनता की गलती है। समय का ख्याल करें और समय का ख्याल करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस 2-3 कार्यक्रम करने के बाद प्रसाद आप सबका तैयार हो रहा है, तैयार है प्रसाद, आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिले उसमें आनंद लीजिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। जोरदार हरे कृष्ण का महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद देने में कुछ अपराध हो गया हो तो दास को क्षमा करना, क्योंकि समय कम है और काम का दम है। जल्दी ही प्रसाद मिलेगा, क्योंकि न्यू मैनपुर धाम भक्तों का एक रिकॉर्ड रहा है कि प्रसाद में कभी 12-1 नहीं बजाते हैं। वैसे तो 8 बजे प्रसाद हो जाता, लेकिन आप लोग आए इतनी देर से, इसमें हमारी क्या गलती है भैया? क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना महंगा हॉल हुआ है, जब इतना महंगा हॉल हुआ है तो कुछ पैसे तो हमारे भक्तों को वसूल करने थे। अगर आपकी इच्छा है पैसे वसूल हो जाए तो जय सीताराम, और अगर नहीं इच्छा है तो प्रसाद तैयार है तो बोलो प्रसाद गिरा दें। क्या इच्छा है? कुछ समय, अरे कथा मेरा नहीं है, कथा हमारे पूजनीय प्रिय वल्लभ माता जी है, भूमिका देवी दासी है, लाजवंती देवी दासी है, इनसे कथा सुनेंगे। अपने नाम तो सुनाते ही रहते हैं और हम यहाँ पर सुनाने के लिए नहीं आए, हम तो सुनने के लिए आएंगे। और सबको यही प्रार्थना है मेरी सब भक्तों से कि समय का ख्याल करना, जिसको जो समय दिया है उस समय में कार्यक्रम विश्राम कर कर जय सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जगन्नाथ यात्रा कितने धूमधाम से और विशाल तरीके से मनाते हैं हम। तो ये बहुत हमारे लिए भाग्यशाली बात है कि हमारी जो जगन्नाथ यात्रा है ये पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 है। और यार 25 तारीख को, हर जून की 25 तारीख को मनाई जाती है। और धन्यवाद इनका तो, आपका भी और देखने वालों का सबका तो धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो आज हमारे साथ कुंती देवी दासी मौजूद है और ये जगन्नाथ यात्रा में हमारे साथ है। हर टाइम हम ये प्रभु की सेवा में लगी रहती है, जहाँ भी हम होते हैं
तो इनसे पूछते हैं कि आज की जगन्नाथ यात्रा के बारे में बताएं, कितने लोग नजर आए आपको और किस तरीके से लगा? इससे पहले भी हम 3 जगन्नाथ यात्रा कवर कर चुके हैं, मगर आज की जगन्नाथ यात्रा का तो आप बताएंगे। बहुत अच्छा लगा, भगवान जगन्नाथ सब पाकिस्तानियों को और सब दुनिया के जितने भी लोग हैं सबको एकजुट करके रखे। और आज तो बल्कि हमको खुद पता नहीं हो रहा था कौन कहाँ जा रहा है, कितने लोग यहाँ पर आए, साथ थे वो भी पिछड़ गए, चैनल के माध्यम से यहाँ पर आए आप सभी का, ये मतलब भगवान के प्रेम की खुशी का माहौल है बता रहे हम गुरु जी। और बहुत अच्छा है, हमारे सनातन प्रेम भी बढ़ता है और जो हमारे मजहब है धर्म है, तो भगवान आपको हमेशा तरक्की दे। और ऐसे ही सेवा में, ये एक सेवा है हकीकत में, ये नहीं है कि आप अपना नाम कमा रहे हो, नहीं, ये हकीकत में एक सेवा है, भक्तों से जा जा के मिल के उनके ख्यालात, उनके मतलब पूछना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं, और ये सब एक एक लोगों के पास जाके आप पूछ रहे हो, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और पता नहीं कितने हजार लोगों से आप भी मिलते होंगे, तो ये सेवा का मौका आपको भी मिल रहा है। और भगवान ऐसे ही हमेशा सब भक्तों को और जितने भी दुनिया के लोग हैं उनको ऐसे ही भगवान की सेवा में लगाएं और अच्छी राह में चलाएं, ताकि हमारे मुल्क का नाम भी रोशन हो और हम सब खुश हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जगन्नाथ। लता रवि के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कुंती दास देवी, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, हमारे साथ आज जो है मौजूद है साहिल मास्टर, हम इनको कहेंगे कि बच्चे हैं तो मास्टर ही होंगे हमारी नजर में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी जगन्नाथ यात्रा पे पहुंचे हुए हैं, और इस उम्र से ये भावना इनकी है कि बच्चों की के रथ के साथ ये झूमे नाचे गाए और फिर आज पंडाल में। तो इनसे पूछेंगे कि आज बताएं बेटा आप लोगों को कैसा लगा, और ये रथ कैसा लगा आपको, यहाँ के लोग कैसे लगे, कितना क्राउड था, थोड़ा सा बताएं। जय माता दी। ऐसे बात करते हैं कि रथ बहुत अच्छा निकलता है हर साल, और हर साल इसके अंदर हिस्सा लेते हम लोग, और बहुत अच्छा खाना था, इवेंट था बहुत अच्छा, और बस यही बोल सकते हैं। जय माता दी, हरे कृष्ण। और लता रवि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। तो ये थे हमारे साथ साहिल, चले जुड़ते रहे। जय श्री राम। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हरे हर महादेव। हमारे साथ देवकी एक हमारे साथ गुड़िया है मौजूद, जो आज इसने जगन्नाथ यात्रा में शिरकत की है, तो हमें इनसे पूछेंगे कि आज की जगन्नाथ यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इन्हें कैसा लगा। हरे कृष्णा, आप सभी के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ये जगन्नाथ रथ यात्रा मैक्सिमम 15 साल से मनाई जा रही है और हम लोग 6-7 साल से अटेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती। ये जगन्नाथ जी की कृपा है कि वो हमें दर्शन देने के लिए आते हैं और हमें बुलाते हैं, वरना हमारी क्या ताकत। सबसे पहले वाले मेरे सब्सक्राइबर है, अगले साल वाले। चले, आपने बताया आज की जगन्नाथ यात्रा के बारे में, बताया कैसा लगा आज आप? जी हरे कृष्णा, आज की जगन्नाथ फेस्टिवल में बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, भगवान का अभिषेक हुआ और माता ने भी बहुत अच्छा बोला, जो भी बोला बहुत मजा आया। राधे राधे गाइस, और हरे कृष्णा। मैं हूँ जीविका और मैं इनकी बहुत ओल्ड सब्सक्राइबर हूँ, फर्स्ट पे सब्सक्राइबर हूँ, और आज हम जगन्नाथ यात्रा में आए और काफी इंजॉय भी किया। माता ने परिचार प्रसार दिया और काफी इंटरेस्टिंग डे था। हमारी प्यारी लता आंटी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सकता है उतना प्यार दे, ढेर सारे कमेंट्स करें इस वीडियो को। बाय 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 बाय। तो आप दर्शन करें अभी जगन्नाथ की भगवान के, देखिए बच्चे कितने खुश होकर अपने सर के ऊपर रख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सब आनंदमय है आज जगन्नाथ के दर्शन, अति सुंदर। हमारी खाला भी है, मासी भी हमारे साथ है, हमारी मासी। जगन्नाथ यात्रा में आए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, आज के महाउत्सव की आप सबको ढेर सारी बधाई हो, बहुत 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 आनंद आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जो है हमें दर्शन देने के लिए आए, और आप सबको जो है हरे कृष्णा। तो धन्यवाद इन सबका प्यार प्रेम का, और इसी तरह से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की महोत्सव की बहुत बहुत सारी बधाइयां। इसी के साथ साथ सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ये जो काम करते हैं, जो लोग रथ यात्रा में नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं हम सबके साथ मिलकर, और जगन्नाथ भगवान की कृपा उन पर भी उसी तरह ही होती है जिस तरह हम पर होती है, क्योंकि हम यहाँ आके उनका स्वयं दर्शन करते हैं। तो इसी प्रकार आपका भी बहुत धन्यवाद हो, और सबसे बड़ा धन्यवाद जो है वो कृष्णा किशोरदास प्रभु का है, जिनका सहयोग से ही ये रथ यात्रा बहुत बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो हम उनको भी बहुत बधाई देते हैं और आप सबको।
जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। इसी के साथ साथ आप इस चैनल को, लता रवि के नाम से ये चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको इसी प्रकार इसी सारे प्रोग्राम्स के दर्शन घर बैठे होते रहें। हरे कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। लता जी, आप देख रहे हैं इतना ज्यादा क्राउड था, अचानक क्राउड कहाँ गायब हो गया? बस सब थक के प्रसाद टेंट पेट भर के खा के सब अपने अपने घर चले गए। अब हम अभी तक यही हैं, आप देखते रहे, बस अभी हम भी प्रसाद खाएंगे और हम भी जाएंगे। अरे अरे अरे, जरा ये भक्तों को तो देखिए, सर आप भक्त की तरफ तो लगे, अरे बेचारे थक के आग चूर हो गए, और ये एक महीने से देखे आप ये बिल्कुल जो है ना सेवा में अद्भुत लगे हुए थे, अब ये थक के चूर हो चुके हैं सारे। आप देख रहे हैं जो है ना, आप देख लेते जगन्नाथ जी की रजात निकली है, मेरे भाई थके, इधर आए प्रभु। आज जी जगन्नाथ यात्रा निकली है, विशाल जगन्नाथ यात्रा था, ऐसा लग रहा था कि समुंदर से जो है ना बाढ़ पानी आ गया सारा, और संभलना मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा सा बताएं आज के बारे में। हरे कृष्णा, आपने सुना होगा बीच में गिरते कि भाई तूफान आएगा, वो तूफान आ जाए, हाँ ये आपने देखा होगा, हाँ वो तूफान आ जाए, पर कोई इंतजाम नहीं थी, भगवान हमारा साक्षी था इसका, जो भगवान ने सबको पूरा किया और भगवान ही करते हैं। आप लोग कैसा लगा सबको? जितना इतनी आनंदमय जो मैंने जगन्नाथ यात्रा देखी है ना, यकीन करें ऐसा लग रहा है कि मैं जगन्नाथपुरी में पहुंच गया हूं, और उससे बढ़कर क्या बताऊं। और 2022 की जो हमने जगन्नाथ यात्रा की रस्सी खींची और भगवान की कृपा से 2023 में हमने 2022 में ही दर्शन किए हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें 2023 में दर्शन किए, सॉरी। तो आप बताएं प्रभु, आप भी तो थे साथ हमारे। हाँ हाँ, हम लोगों ने बड़ा दिव्य दर्शन किया भगवान का, 14 साल का वनवास के बाद हमें भगवान का दर्शन हुआ, हम गदगद हो गए। ये सब जगन्नाथ जी की कृपा है, और मैं चाहूँगा कि दत्ता रवि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ये बहुत मेहनत करते हैं, अब तो ऑल टू ऑल सारे धर्म कार्य करते हैं और धर्म प्रचार हम तक पहुँचाते हैं, मैं भी करता हूँ और आप भी करें और लोगों को भी बताएं, ये इनको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चलता रहे सिलसिला, ये ऐसी सेवा करते रहे, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमें खुशी होती है देख के। अपना देखो, ये काम भी करना भी आसान नहीं है, एक बजे से आए हम, सबसे पहले आना और सबसे हैंड में सब काम करके जाना, ये आसान नहीं है, ठीक है। मैं बोलता हूँ बस आप उनको याद करें, दुआएं करें इनके लिए, इनका चैनल जो है कामयाब होता रहे और चलता रहे। हम दोबारा यही संघ के साथ हम दोबारा इंडिया आए जी, और जाएंगे फिर जगन्नाथ यात्री जाएंगे, भगवान जी हमें बुलाएंगे। चलिए जी, हरे कृष्णा। लाए दिखाए हमारे मेन भगत जो है कृष्ण किशोर प्रभु दास, जो इनके साथ ये संघ के साथ सारे भक्त जुड़े हुए हैं गोड़िया में। प्रभु की जो है बेटी का जो क्या है, अच्छा जय श्री राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज आपको फुल आजादी है, आज आपने जो आपने आज कार्य किया ना, अद्भुत कार्य था, इसको हम देख के जो हमारी आंखें जो चमक से चमक क्या गई, हटके मतलब वही जगन्नाथ भगवान का कहते हैं ना, जैसे पलके नहीं है, आंखें खुली की खुली रह जाना, वो हो गया आज हमारे साथ। नहीं नहीं, बहुत बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, मुझे भगवान ने बहुत अच्छी टीम दी है, बहुत अच्छी टीम दी है, और हमें जो बहुत शिक्षाएं लेनी चाहिए, और एक शिक्षा मैं आपको भी बताती हूँ। हरिदास प्रभु मेरे साथ बैठे हैं, इनकी बेटी लाजवंत का नाम था कथा के अंदर, तो शिक्षा लें सब इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रभु ने बोला देखो यार, हमें समय को बचाना है, सुबह से लोग भूखे प्यासे दोपहर से आए हुए हैं, तो क्यों ना जो है वो अपनी बेटी को, उन्होंने बोला भाई तुम कथा मत करो, हम जो है किसी और को मौका देते हैं, जिनका जो हमारे मेहमान आए थे उनको दिया मौका, और समय पे जो है वो प्रसाद कर लिया जाए। हालांकि एक सेरेमनी भी होनी थी, वो भी नहीं हो सकी, क्योंकि देखो हमारी टीम का जो फोकस जो है, जो मेन चीज यही होती है, रथ यात्रा और प्रसादम, तो रथ यात्रा भी बहुत आनंद दिया लोगों ने, और प्रसादम जो है 8 बजे का टाइम था प्रसाद का, तो लगभग हमने 9 बजे जो है एक घंटा लेट प्रसाद खिलाया, इसके लिए मैं जनता जनार्दन को जो है वो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत आनंद आया, बस आनंद के बारे में कह रही था, फिर मैं भाव में चला जाऊंगा, तो बहुत आनंद आया, हरे कृष्ण। अच्छा जी प्रभु, आज आप भी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं बहुत बहुत आप लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद कि जो आप हम लोगों को इतना कवर दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जगन्नाथ जी ने हम सबको, पहले हम इंडिया में मिले थे और अब रथ यात्रा में मिल रहे हैं और साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो जगन्नाथ जी की ये कृपा है कि हम सब साथ रहते हैं और साथ मिलकर सेवा करते हैं, और आज सब भक्तों ने बहुत बहुत आनंद उठाया है और हमें खूब सेवा करने का मौका दिया है। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरण दस्य ज्ञान अंजलि शलाक्य चक्षुकांत रोमिलतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण कन्हैया सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश्वर गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप, मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से प्रॉपर जो है वो कवरेज कर रहे हैं, रात में जब कल मैं था वहाँ पर उस वक्त भी मैंने देखा आप
जो है अपना टीम के साथ कवरेज कर रहे थे और आज भी सुबह सबसे पहले आप लोग आए हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो हमारे साथ सहयोग किया और बहुत अच्छे भक्तों के प्रवचन भी आपने इसके अंदर अपने चैनल के माध्यम से शुरू किए और आपका धन्यवाद है। मैं कृष्ण किशोरदास जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है जैसा इन्होंने सोचा था प्रभु परमात्मा ने जगन्नाथ भगवान ने उससे अच्छा जो है वो प्रोग्राम कर दिया है और बहुत खुशी की हमें बहुत खुशी हुई है। इस पूरी टीम जो इनके साथ जुड़ी हुई है वो बहुत खुश है। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, नाथ, जय जय जगन्नाथ, 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 नाथ, नाथ। तेरा काम हो गया भाई, ये ना महाराज द्वाज है। लता रवि के चैनल को वो करें क्या, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाइए, कमेंट्स कीजिए, शेर, चीता, लोमड़ी सारा कुछ कर दीजिए, खूब खूब मचाइए और इसका जितना पैसा आएगा ना व्यूज का वो पैसा सीधा जगन्नाथ रथ यात्रा की सेवा में लाइए। जय जगन्नाथ। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। माता जी आज हमारे साथ मौजूद है कृष्णा किशोरदास प्रभु जी की, इनसे पूछेंगे हम कि आज की जो जगन्नाथ यात्रा निकली इतनी विशाल और इतना सुंदर नजारे हमने देखे कि हम आपको बयान नहीं कर सकते लफ्जों में, वहाँ पर लफ्ज नहीं है। और हम थोड़ा सा माता जी से इनके बचपन के बारे में पूछेंगे कृष्णा किशोरदास के, कि इनका बचपन का थोड़ा सा कोई एक किस्सा हमें जरूर सुनाए जो यादगार हो आपके लिए। अरे कृष्णा, और जो है ना बचपन में एक दिन मुझे बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा महाराज बनूंगा, मैं कि जरूर बनेंगे ऐसी क्या है, पर आज मेरे बेटे का नाम है भगवान का, बड़ी बात है, भगवान की कृपा हो गई है। हे कृष्णा, आज यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा थी, यहाँ पर कीर्तन हुआ, सब लोगों ने प्रचार करा, बहुत सारी माता जी ने, पिया वल्लभा माता जी ने करा और भूमि देवी की माता जी ने करा और बहुत सारी माता जी ने करा, तो यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ। हरे कृष्णा, लता रवि चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको बहुत सारे प्यार दें। थैंक यू। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर। छोटी सी न्याड़ी हमारे साथ है, हमारी सब्सक्राइबर है, हमसे बहुत प्यार करते हैं और ये ऐसे भक्त जो होते हैं हमें प्यार जो करते हैं, इन्हीं की पीड़ा को लेके हम ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब हमें प्यार मिलता है तो हमारा मन करता है कि हम वीडियो बनाएं। तो इनका आज हम इनसे पूछेंगे कि बच्ची जो है हमसे कब से मिलने के लिए बेचैन थी और हम जा रहे थे तो हमारे पास आ गई, तो हमने कहा क्योंकि सब्सक्राइबर का मान सबसे पहले है। तो बेटा बताएं आज का जो आपने इवेंट देखा, क्या चीज आपको, हमारी भी वीडियो आप देखती है, हमें क्या आपको पसंद आता है, थोड़ा सा दोनों, आप दो सवाल किए मैंने, एक सवाल किया है कि आपको हमारा क्या अच्छा लगता है जो हम बनाते हैं, दूसरा आज आप यहाँ आइए तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, और आपने जगन्नाथ जी की रस्सी खींची, जगन्नाथ पूरी जानना है आपको, रस्सी खींची या नहीं खींची, यही बताइए। रस्सी नहीं खींची। रस्सी नहीं खींची, अच्छा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है? अच्छी। क्या चीज़ अच्छा लगता है हमारी वीडियो में? आप सब अपने धर्म के बारे में बताते हैं। हाँ, ऐसा, अच्छा। और क्या, और आप कुछ कहना चाह रही हैं तो बोले। ये जो है कृष्णा किशोरदास महाराज इनके गुरु भी है और उनकी तरफ से आज ये इवेंट था और भगवान के दर्शन हुए हमें, जगन्नाथ भगवान की यात्रा के, लेट पहुँचे लेकिन उनके दर्शन हो गए हमारे, तो ये हमारा सौभाग्य है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा आपका, हम इनके सब्सक्राइबर है और हम लाइक और शेयर सब करते हैं, देखते हैं हर इवेंट, ये स्वामीनारायण मंदिर का हो, कहीं का भी हो, सब अच्छा, पूजा पाठ का जो भी इवेंट होता है उनको ये अच्छा दिखाते हैं और लता रवि चैनल बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इनके प्यार का। तो जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। और आज के इवेंट्स में जो आपने लिखना है वो कमेंट्स के अंदर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मैं अपनी पूरी टीम का वो दिल की गहराई से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम,
एक दूसरे से लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हरिबोल, आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 15वीं रथ यात्रा की बधाई हो।